केंद्र सरकार की ओर से श्रम कानून के संशोधन के खिलाफ श्रमिक संगठन सड़क पर उतर आए हैं। पानीपत में केंद्र श्रमिक संगठनों और कर्मचारी संघ यूनियन के सदस्यों ने नए बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। श्रमिकों ने हाथों में बैनर लेकर बिल का विरोध किया, साथ ही केंद्र सरकार पर श्रमिकों के साथ भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। पूरे देश के अंदर जो मोदी सरकार ने 23 जुलाई को मजदूर कर्मचारियों के खिलाफ एक संसद में बिल पेश किया, जिसमें 44 श्रम कानूनों को खत्म कर केवल 4 श्रम कानूनों में बदल दिया, जिसमें तमाम जो मजदूरों के कर्मचारियों के हक, जो कच्चे कर्मचारी हैं, न्यूनतम वेतन के दायरे से और श्रम कानूनों के दायरे से बाहर हो जाएंगे। श्रम कानून में संशोधन को लेकर श्रमिक संगठन नाखुश है। श्रमिकों ने श्रम कानून में संशोधन को लेकर नाराजगी जाहिर की है। देखना होगा कि श्रमिकों की नाराजगी का असर सरकार पर कितना होता है। R9 TV के लिए पानीपत से प्रवीण भारद्वाज की रिपोर्ट।